विश्व पर्यटन दिवस पर हवा महल को स्वच्छ पर्यटन स्थल अवार्ड 2018-19 से अधीक्षक सरोज चंचलानी को नवाजा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी स्वच्छता की तारीफ की थी। जयपुर की आन बान शान हवा महल विश्व धरोहर में अपनी अलग जगह बनाए हुए हैं। वहीं हवा महल अधीक्षक सरोज चंचलानी ने स्वच्छता को लेकर अपना शानदार मैनेजमेंट बना रखा है। खुद जमीनी सतह पर रहकर बिना शर्म और गुरेज के काम में व्यस्त रहती हैं। पर्यटक भी उनके व्यवहार से काफ़ी खुश नज़र आते देखा गया। सरोज ने बताया कि एक साल पहले उनसे हवा महल की रिपोर्ट मांगी गई थी। 2018-19 के लिए जो भी भारतीय पर्यटन विभाग पुरातत्व विभाग द्वारा को भेजी गई थी। उन्होंने बताया कि 14 सितंबर को प्रिंसिपल सेक्रेटरी गायत्री राठौड़ ने उन्हें फ़ोन पर बताया कि हवा महल को स्वच्छ पर्यटन स्थल का अवार्ड 2018-19 से नवाजा गया है, जो राजस्थान के पर्यटन स्थलों में से पुरातत्व विभाग की तरफ से सिर्फ हवा महल को चुना गया। अवार्ड सेरेमनी का कार्यक्रम दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुआ। इस मौके पर भारतीय पर्यटन विभाग के मंत्री जी कृष्ण रेड्डी ने सरोज चंचलानी को अवार्ड देकर नवाजा। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ भी मौजूद रहे। ये जयपुर वासियों के लिए फख्र की बात है।